Hey guys, what's up? This is Shubham here, back again to interesting video. तो आज की वीडियो में दोस्तों रिव्यू करने वाले हैं दोस्तों MacBook Air M2, जो कि आप भी अगर परचेज करना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों क्या क्या रीजंस है जो आप MacBook M2 आपको परचेज करनी चाहिए और इसके भी क्या क्या फीचर्स मिलता है, क्या क्वालिटी मिलता है। तो आओ यार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या फीचर देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों, जो फीचर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही इस MacBook को आप ओपन करोगे, एक सिंगल हैंड से आप इसको खोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको दो, आपको यहाँ भी टच करनी जरूरत है, सिर्फ सिंगल हैंड से आप इसको जस्ट ओपन कर सकते हो। जो इसके स्क्रीन का क्वालिटी है, आप इधर से भी देखो तो आपको स्क्रीन दिखेगा क्या चल रहा है, आप इधर से देखो तो भी दिखेगा, और आप इसको नीचे से देखो तो भी दिखेगा, और आप अगर ऐसे कर देते हो तो भी दिखेगा। इस तरीके से दोस्तों ये है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे ही आप इसको ओपन करते हो, ये जो इसका कीपैड है काफ़ी स्मूथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफ़ी स्मूथ है आपका कीपैड, और जैसे इस पर इसको स्मूथ करते हो और इसके बाद जब इसको डाउन करोगे तो काफ़ी इसको स्मूथ फील होगा, ऐसा फील नहीं होगा कि काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये कितना पतला है, लाइक मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देख लो, एक मेरे उंगली से भी ये पतला है, ठीक है। और इधर भी देखो तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है दोस्तों, ये पूरा का पूरा खाली है। और ये साइड में दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग का पोर्ट दिया है, और यहाँ पे दो वो मात टाइप सी का पोर्ट दिया है, जो कि लिटरली काफ़ी परेशानी होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ भी ब्लैंक है, और उसके बाद यहाँ पे भी दोस्तों ब्लैंक है, चारों साइड में ब्लैंक। तो यहाँ पे दोस्तों 3.5 mm का जैक मिलता है, जो कि आप इससे गाना सुन सकते हो या तो आप रिकॉर्डिंग के लिए कुछ भी माइक लगा सकते हो। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दिया हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरनल जो पावर है इसका, ये देखते हैं। रखने के बाद दोस्तों सिर्फ सिंगल हैंड से आप इसको ओपन कर सकते हो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना। जैसे ही इसको ऑन करते हो दोस्तों, देखो कितना अच्छा लग रहा है ये, और मैं आपको दिखाता हूँ इस पर दोस्तों बेंचमार्क मैं रन किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये एप्लीकेशन को क्लिक करता हूँ जो बेंचमार्क रन किया था। अगर जैसे ही मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, इसका जो बेंचमार्क रन किया था 7.7128 आया, और इससे और भी पावरफुल जो आता है, जो i9 का प्रोसेसर है वो और भी अच्छा आपका सीपीयू देता है। लेकिन जो मैकबुक लेते हो M2, जो कि आपके इसमें ग्राफिक्स कार्ड जो है इसमें इनबिल्ड है, और जो इतने स्मूथ आपको एक्सपीरियंस मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ जो अगर मान के चलो एडिटिंग करते हो आप इसमें तो क्या एडिटिंग का पावर रहता है। तो ये है Dimensity Resolve, जो कि आप जानते हो इससे पावरफुल कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होता, और जो प्रीमियर प्रो है या कोई भी है इससे ज़्यादा पावरफुल नहीं होता। और ये देखो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के साथ ये खुल गया, खुलने के साथ ये तुरंत ऑन हो जाता है। और मैं आपको लिटरली दिखाता हूँ, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो प्रोजेक्ट भी खट से क्लिक हो जाता है। और क्लिक होने के साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जो मोस्टली जो होता है दोस्तों आप कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जो ये लैग होता है ना, जैसे आप मान के चलो इसको यहाँ से आप ऊपर नीचे आगे पीछे करते हो, ये आपका लैग करता है और ये फ्रेम रेट जो है ड्रॉप करना चालू करता है। तो इतना इसमें इतना पतला होने के बावजूद भी आपका फ्रेम रेट ड्रॉप नहीं करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये फुल HD आपका वीडियो है, और मैं आपको दिखाता हूँ, एक भी फ्रेम जो है आपका ड्रॉप नहीं कर रहा, सारे का सारा फ्रेम ले रहा है। और इसको ओपन जैसे मैं इसको पेस की करके रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ, देखो कितना अच्छा से क्लियर दिखता है। नेम है वो आप प्रॉपर वे भेज पाए, यूजर नेम प्रॉपर वे भेज पाए, और आप पे सर्च किसी भी प्रकार से फ्रेम ड्रॉप नहीं कर रहा है, सबसे ईजी है। और इसके अलावा आप एक साथ और भी कोई काम करते हो तो देखो हल्का सा भी लैग नहीं मिलता है। ये होता है दोस्तों पावर। और ये जो है दोस्तों 1:24 का वीडियो है। अब मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ, जैसे ही दोस्तों यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करता हूँ रेंडर, देखो यहाँ पे क्विक एक्सपोर्ट पे गए, क्विक एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे गए, उसके बाद जैसे ही एक्सपोर्ट पे क्लिक किए, देखो कितना फास्ट ये एक्सपोर्ट होता है। सेव पे क्लिक किए, अब ये एक्सपोर्ट टाइम देखो 1:24 का वीडियो था, और एक्सपोर्ट टाइम जो है बहुत कम लगेगा, मात्र 20 सेकेंड ये बोल रहा है, 20 सेकेंड में ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, बोल रहा है 20 सेकेंड, लेकिन ये 10 सेकेंड में ये एक्सपोर्ट होकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से काफ़ी फास्ट तरीके से ये एक्सपोर्ट किया। और इसके जो फीचर्स हैं दोस्तों आप जान ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीचर्स है, और इसको इस्तेमाल करोगे तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर था ये
ऑलमोस्ट नहीं फ्री है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं भी आपको इसमें पे करने की जरूरत नहीं है, ओपन सोर्स है। तो इस तरीके से दोस्तों ये है एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अगर आप एडिटिंग के लिए पर्पज़ से लेना चाह रहे हो तो आप आराम से ले सकते हो और इसमें एडिटिंग कर सकते हो, किसी भी प्रकार का लैग नहीं मिलेगा।